बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक है, पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, आज हम इसका जो है एक्सरसाइज वर्क करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 114 पर 114 न्यू बुक के हिसाब से हो सकता है, पेज आगे पीछे हो, देख लीजिएगा। What is meant by industry? इंडस्ट्री का क्या मतलब है, इंडस्ट्री से क्या मुराद है। पेज नंबर 96 पर है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ द वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ थिंग्स इन फैक्ट्रीज। इट रेफर्स टू मैनुफैक्चर ऑफ थिंग्स थ्रू मैनुअल और मैकेनिकल मेथड। इन ब्रॉडर टर्म्स, इंडस्ट्री मीन्स प्रिपरेशन ऑफ कमोडिटीज़ फ्राम न्यू मटीरियल्स विच आर ऑफ सम utility to human beings. The industry has threefold advantages. They fulfill the necessity of human beings, add to their comforts through easy and quick preparation of things. यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा और लेंदी करना चाहें तो फिर नीचे वाला पैराग्राफ, इन द अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन द इंडस्ट्री वॉज सिंपल एंड ऑफ क्वाइट लो लेवल एज कम्पेयर टू मॉडर्न इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एट अ लो लेवल बट ग्रेजुअली डिवेल्प। नाउ इंडस्ट्री इज अ बिग सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इनटू सिंगल यूनिट, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ड्यू टू लार्ज स्केल आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग है तो मीनिंग ऊपर वाले पैराग्राफ में कंप्लीट हो गई। सेकंड है, डिफाइन नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, यानी कौमी तरक्की जो है वो क्या है। नेशनल डेवलपमेंट, ये सेकंड पैराग्राफ है, मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर। द रिसोर्सेज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लॉयटेड टू द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द मासेस। द पीपल हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच गारंटी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोटेक्शन। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी सेड दैट नेशनल डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज विच मेक द लाइफ रिच एंड ईजी। इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द फैक्टर नेसेसरी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये आपका ये भी आंसर शॉर्ट ही है, छोटा है। थर्ड है, वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिवेलपमेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है लेकिन हम इसको शॉर्ट करेंगे। पहले है इंडस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट, हेडिंग आएगी। इंडस्ट्री इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इट हैड बिकम नेसेसरी टू इन्वेंट मशीन्स टू गेट ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ द रिसोर्सेज। रॉ मटीरियल आर कन्वर्टेड इनटू ड्यूरेबल गुड्स एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। अच्छा, ये भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में आए तो फिर इसको यहाँ से लिखिएगा। इंडस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। अब ये आपको ए इस पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे बी सी डी ई एफ जी जी तक जो है ये आपको इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपने जो है इन पॉइंट्स को लिखेंगे इंडस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद भी पैराग्राफ हैं लेकिन वो जो है फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसको थर्ड क्वेश्चन के आंसर को यहाँ तक, जो पॉइंट्स है यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्होंने कॉटन लिख लिया है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता दूँ। कॉटन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, इनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने वर्ड कॉटन यूज़ किया है। पेज नंबर 100 पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हेडिंग है, ये आपने लिखनी है। और इसको जो है फर्स्ट पैराग्राफ इसका पूरा आएगा, दिस इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी से लेकर सेंटर इन बलूचिस्तान तक। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो छोटा सा है वो भी पूरा आएगा। अबाउट 50% ऑफ इंडस्ट्री लेबर इज़ एम्प्लॉयड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द प्रेजेंट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री इज़ 500 एज कम्पेयर टू जस्ट 3 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। आपने यहाँ तक लिखना है क्योंकि इसमें कॉटन की बात हुई है। उसके बाद वुलन है, उसके बाद फिर सिल्क है पैराग्राफ, तो ये हम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 102 पर शुगर इंडस्ट्री है, क्योंकि दो चीज़ों पर नोट मांगा है तो शुगर इंडस्ट्री की भी हेडिंग है। और ये तकरीबन 10-12 लाइनों का पैराग्राफ है, ये आपने पूरा ही करना है, जिसमें मतलब कितनी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बतानी है, किन किन सूबों में है वो बतानी है, तो इसको आप जो है कम्प्लीटली डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद है 5, हाउ डू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प। कम्युनिकेशन जिसको हम राबता कहते हैं, ये किस तरह से हेल्प करती है,
देखें, अब यहाँ पे रबता जो है, हम इस रबते में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम पढ़ेंगे पेज नंबर 104 पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। पहले हम लिखेंगे ऑल सोर्सेज विच हेल्प पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे 105 पर, थर्ड पैराग्राफ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री, दे हेल्प इन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, द मटीरियल इज़ कैरीड टू फैक्ट्रीज एंड मैनुफैक्चर गुड्स आर टेकन टू द मार्केट, दे रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एज पीपल कैन सीक एम्प्लॉयमेंट एट डिस्टेंट प्लेसेज एंड ऑल्सो ट्रेवल फ्रिक्वेंटली, इन ब्रीफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प टू। तो ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद लास्ट लाइन भी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तक। तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर 5 है, ये यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे फ्रॉम कराची टू पिशावर। अब ये ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है, पेज नंबर 106 पे नेशनल हाईवे की हेडिंग है ये आपने, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे ऑफ पाकिस्तान, इट्स लेंथ इज 1735 किलोमीटर, इट स्टार्ट फ्राम कराची एंड गोज़ टू पिशावर एंड तोरखम, इट कनेक्ट डिफरेंट सिटीज सिचुएटेड ऑन दिस रोड लाइक हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी एंड पिशावर, ईच ऑफ दी सिटीज़ आर फर्दर लिंक विद माइनर सिटीज़ थ्रू स्मॉल रोड्स, अ पार्ट ऑफ दिस रोड बिटवीन लाहौर एंड पिशावर इज़ कॉल्ड GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद 7 है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के जो हैं क्या इस्तेमालात हैं, यूजेज क्या हैं, पेज नंबर 112 पर आप देखेंगे तो ई कॉमर्स का जो है पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें जो है तकरीबन 12 से 15 लाइनें हैं ये। इट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से लेकर लास्ट लाइन है ईजियर एंड बेटर तक। आपने इसको जो है क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स, 8 क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तरक्की में उसको जो हम इंडस्ट्रियल किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो देखें यहाँ पे एक हेडिंग है, हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज, हमें जो है इस हेडिंग को लिखना है लेकिन नीचे जो है हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो उसके प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, हमें प्रॉब्लम्स नहीं बताने, हमें उसके लिए रेमिडियल मेजर्स बताने हैं, स्टेप्स जो हम लेंगे वो बताने हैं, वो नेक्स्ट पेज पर हैं, पेज नंबर 113 पर रेमिडियल मेजर्स ये बताने हैं हमें। ठीक है, वो हेडिंग आप यहाँ डाल सकते हैं, फॉलोइंग रेमिडियल स्टेप विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं मतलब ये हमारे लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये अहम हैं और ये स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ से लिखेंगे रेमिडियल मेजर्स या हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडस्ट्री इज़ द सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंड है, पाकिस्तान इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। थर्ड है, सियालकोट इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। फोर है, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ ट्रेड यूनियन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर आर इंडस्ट्री। फाइव है, 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान आर रोड, रेलवेज एंड एयरवेज। 6 है, कारपेट मेकिंग इज़ कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कारपेट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री भी कहते हैं, उसमें आती है। 7 है, कॉटन एंड लेदर गुड्स आर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप और बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं, यहाँ पर है कॉटन तो मेन है, लेदर भी मेन था इसलिए मैंने लिख दिया, उसके अलावा आप कारपेट लिख सकते हैं, स्पोर्ट गुड्स लिख सकते हैं क्योंकि ये हम सब एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो आपको इसमें बेहतर लगे, मैंने जो ज़्यादा अहम थे वो दोनों चीज़ें इसमें लिख दी हैं।
तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।